मुझे तो लगता है 50-50 चांस है। किसके बीच में? TMC एंड BJP। इस इलेक्शन में जो मुद्दा है, ये मुद्दा क्या मुद्दा है? कौन आएगा सरकार? ममता बनर्जी आएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? 200%। किसकी सरकार? ममता की सरकार। ममता जी क्यों? बस वही होगा। ममता की सरकार? ममता की सरकार क्यों? ममता बेहतरीन CM है। इस बार सरकार तो ममता का आना चाहिए। ममता कोई इसलिए कि उसने बहुत सारा उन्नति किया है। इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बंगाल चुनाव अपने शबाब पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। हम कोलकाता की धरती पर है। न्यूज़ फाउंडेशन आपको लगातार अपडेट रख रहा है। तेजस्वी की ममता बनर्जी से मुलाकात हो, JP नड्डा की रैली हो या कुछ भी, हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। तो जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रहा है, इलेक्शन चुनाव का डेट 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 जो फेज है उसमें होने वाला है। पूरी पार्टी, जितनी भी पार्टी है, पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ रही है। ममता बनर्जी जहां अपना किला फत्ता BJP ना कर ले उससे बचाने में लगी हुई है, वहीं BJP कहती है सुनार बंगला बनाएंगे, मगर क्या होगा वो देखने वाली बात है। CPM, कांग्रेस, ISF की रैली, ब्रिगेड मैदान का भरना, त्रिकोणीय भी बनता हुआ दिख रहा है ये चुनाव, मगर वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। अभी का हाल क्या है हम बंगाल की जनता से जानेंगे, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट के लोगों से यहाँ पर पूछेंगे क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार। चलिए जानते हैं। आपका नाम? मैं ईशानी बोल रही हूँ। ईशानी? यस। अच्छा ईशानी, बंगाल में इलेक्शन बहुत नज़दीक है, डेट भी अनाउंस हो गए हैं अब तो क्या लगता है कि इस बार क्या होगा 2021 में बंगाल का क्या होगा? मुझे तो लगता है 50-50 चांस है। किसके बीच में? TMC एंड BJP पे। अच्छा लगता है कि BJP 50% अप हो गई है? हाँ, क्योंकि मैं अभी न्यू मार्केट से घूम के आ रही थी तो एवरीवन, इवन द पीपल जो बहुत मतलब सब बैकग्राउंड के लोग यही बोल रहे थे कि सुनाई दे रहा था कि दीदी का टाइम नहीं थोड़ा जा रहा है तो भी BJP आएगा। हाँ, तो BJP आएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी था वो तो काफी अच्छा था दीदी का या नहीं, BJP का जो। ओके, सो आप पर्सनली आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी? मुझे लगता है BJP या कोई और, तृणमूल रहने का चांस ज्यादा है क्योंकि उन लोग ने बहुत काम किया है। काम किया तो ऐसा क्या काम किया TMC ने जिसके हिसाब से आपको TMC को रहना चाहिए? मैं नहीं बोल रही हूँ, हाँ मतलब रहेगा, क्योंकि बहुत सारे गाँव में आई हैव हर्ड कि बहुत सारे पॉलिसीज इंक्लूड किए हैं जैसे गर्ल्स के एजुकेशन को लेके, बट अभी मुझे ये पता नहीं कि बोले थे करेंगे एंड दिए भी है वो ग्राउंड लेवल पे हुआ है वो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपको पर चेंज आनी चाहिए? सो दैट हाँ जरूरी है चेंज आना क्योंकि देर आर केसेस की TMC बहुत मतलब चीज़ें मतलब फुटेज में आ रहे हैं कि दे आर ड्रेनिंग मनी फ्रॉम पीपल, सो चेंज आएगा तो भी अच्छा है। सो हाँ, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। समीर जी, ये बताएं क्या लगता है इस इलेक्शन में क्या होने वाला है? इस इलेक्शन में जो मुद्दा है, ये मुद्दा क्या मुद्दा है? कौन आएगा सरकार में? ममता बनर्जी आएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री ममता बनेंगी? 200%। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। जैसे एक दो काम बताया? जैसे कि अभी 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है, मेरा बगल में एक पड़ोसी था, एक स्वास्थ्य साथी जो योजना जो उनका कार्ड है उसका द्वारा उनका ऑपरेशन हुआ, 2 लाख कुछ रुपये का एस्टिमेट था और खूब खूबसूरती से उनका इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, वो चीज़ में हम लोग को मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा। अच्छा, तो हम लोग का भी चाह था कि हम लोग ये कार्ड बनाए तो ये कार्ड हम लोग बनाया। अच्छा, और दूसरा योजना है सड़क, रोड, बिजली। तो क्या BJP आ सकती है, ऐसा माहौल है? ऐसा BJP बेटर करेगी? कुछ नहीं करेगा। आप हमको बता दीजिए उनका कौन सा स्टेट है जो बहुत बेटर है, कौन सा स्टेट में उन्होंने 2 इंडस्ट्रीज लगाया, आप बताइए कौन सा स्टेट में उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाया। तो वो तो कह रहे बंगाल से शुरुआत करी। अरे बंगाल से तो और बहुत सारे लोग तो गुजरात जाते हैं ना, हाँ, काम करने। हाँ, तो किसका है गुजरात? आप बताइए गुजरात में वो कितने साल से शासन कर रहे हैं? 25 साल से। अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी साहब,
2014 से लेके 2021 तक का अभी भी उन्होंने 3 इंडस्ट्रीज लगाए हैं। आप बता दीजिए, दिखा दीजिए हमको गुजरात में कोई भी 3 इंडस्ट्रीज लगाए। तो जब काम हो गया तो बाकी प्राइम मिनिस्टर हो गया ना, तो उनका ध्यान कैसा? प्राइम मिनिस्टर का तो काम है ना सर, पूरा इंडिया लेवल में ध्यान देना। हाँ, तो इंडिया में वो कहाँ ध्यान देना? सोनार बंगला से शुरुआत करेंगे। सोनार बंगला से तो नहीं शुरुआत करेंगे, मगर यहाँ का सोना खतरा में पड़ गया। अच्छा, जो हमारे बंगाली कल्चर में जो सोना का पहनावा है यहाँ ज़्यादा है, तो अब हमको तो लग रहा है कि नोटबंदी इनका फ्लॉप गया, बाकी GST वगैरह तो बिजनेस पूरा चौपट हो गया, अब लग रहा है कि हमें कि सोना भी अब खतरा में है। चलिए, थैंक यू, प्लीज वेलकम जी। तो यहाँ पर लोग हैं, उनसे आइए बातें करते हैं। सबसे क्या लगता है इस बार कौन किसकी सरकार? ममता की सरकार। ममता जी क्यों? बस वही होगा। क्यों होगा? क्या किया ममता दीदी ने आपके लिए? ममता दीदी शहर को ठीक ठाक चला रही है, और क्या। BJP कह रहा है और बेहतर करेंगे, तो बेहतर नहीं चाहिए? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता तो है। BJP भी चाहिए, देखिए क्या होता है। ये तो हमारा को कौन चाहिए, किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? बोलो BJP इन्हें ममता। अरे कंफ्यूज यहाँ कह रहे हैं, BJP या ममता? फिर से एक मौका दे रहे हैं हम आपको। ममता पक्का? पक्का, लॉक कर दे, लॉक कर दीजिए। चलिए आइए, और भी लोग हैं जी। भैया क्या लगता है आपका नाम? मोहम्मद शमीम। शमीम जी क्या लगता है इस बार कौन? ममता की सरकार। ममता की सरकार क्यों? ममता बेहतरीन CM है। शमीम है इसलिए ममता चाहिए? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जात धर्म सब अपने जगह पे, यहाँ पे जो अच्छा सरकार चलाएगा, जो अच्छा काम करेगा, लोग उसी को चाहेंगे। भाई कि हम अच्छा करेंगे, वो बहुत कहता है, वो तो कहता था कि हम काला धन वापस लाएंगे। क्या लाया? आप जवाब दीजिए। नीरव मोदी को ला रहा है ना जी? नीरव मोदी जो काले पैसे लेके भागे, कौन लेके आया है बताइए ना? लेके आने वाले हैं? कुछ नहीं, वो सब एक झूठा ख्वाब दिखा रहा है। अच्छा, आवाम को भड़का रहा है। आपकी आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी और मेरे भी। देखिए आवाम को भड़का रहा है। अच्छा ठीक है, आवाम को बेवकूफ बना रहा है मोदी सरकार। ठीक है, जहाँ तक हमारा ख्याल है कि TMC पार्टी ऐसा पार्टी है कि वो पश्चिम बंगाल को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, खास करके ममता जी दी। ओके चलिए, थैंक यू जी। क्या लगता है भैया इस बार किसकी सरकार और क्यों? देखिए इस बार सरकार तो ममता का ही आना चाहिए। ममता का ही? कोई इसलिए कि उसने बहुत सारा उन्नति किया है। अच्छा। किसी सरकार तक किया नहीं है। हाँ, हर चीज दे रखा है, मर जाओ फिर ममता, बचो फिर ममता। अच्छा। हर चीज कन्याश्री हो, बनश्री हो। अच्छा। गाँव में जो जो कच्चा रास्ता उसका पक्का कर दिया है। अच्छा। घर घर में जो लॉकडाउन में जितना आदमी का सबको चावल मिला है फ्री में। अच्छा। इसलिए मिला है ये सब? हाँ पक्का मिला है, हम तो गांव से ही हैं, हम तो गांव से ही हैं। अच्छा। तो पक्की बात है। अच्छा। ममता आएगा, लेकिन ये है कि अब एवरेज थोड़ा कम घट जाएगा। मतलब जो स्ट्राइक रेट था पहले 209 था, वो अलग हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। घटेगा तो किसका बढ़ेगा? ये BJP का बढ़ेगा थोड़ा। BJP CPM? CPM का देखिए वो तो अभी बहुत पीछे है, लेकिन अभी अब लेकिन अभी जो सामने जो ब्रिगेड में जो रैली हुआ ना, उसके लिए लग रहा है अब आ सकता, अच्छा है कर सकता। थोड़ा अच्छा कर सकता है, डेवलप कर सकता है थोड़ा। चलिए आपको क्या लगता है भैया? बोलिए। सेम टू सेम मतलब मैंने बोला। आपके आपके अपने कोई ओपिनियन नहीं है? वो क्या बस स्थिति की जो है ना अभी CPM के चलते तो थोड़ा ठीक ही लगता है। चलिए आप लोगों को लग रहा है डर लगता है। चलो, तो जैसा कि आपने सुना, बंगाल की जनता, कोलकाता की जनता को वो बहुत बातें दिल खोल कर रख रही है। किसी को लगता है TMC बना लेगी, किसी को लगता है दे नीड चेंजेस, किसी को लगता है CPM भी रैली के बाद इस कॉन्टेस्ट में आ चुकी है। मगर अभी भी कुछ कहना कि किसकी सरकार बनेगी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सभी पार्टियाँ अप्स एंड डाउन। परसों तक जब रैली नहीं हुई थी तब तक ऐसा लग रहा था CPM कॉन्टेस्ट में नहीं है, मगर कहा जाता है कि ब्रिगेड मैदान जिस भी पार्टी ने भर दिया, राइटर्स बिल्डिंग की सीढ़ियाँ वही चढ़ती है। राइटर्स बिल्डिंग जहाँ CM ऑफिस होता है उसे राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। और अब देखने वाली बात है क्या होगा, क्या निकल कर आएगा, हम आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे। अब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।